पिछले दिनों देश की क्रिकेट टीम का खराब प्रदर्शन, टीम से द्रविड़, सचिन जैसे खिलाड़ियों का जाना, इस सबसे ब्रांड क्रिकेट की इमेज को एक जोर का झटका लगा है। क्रिकेट में निवेश करने वाले ब्रांड्स और विज्ञापन जगत इन सब परिवर्तनों को तोल मोल के देख रहे हैं। तो ये झटका कितना भारी पड़ेगा क्रिकेट और खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू पर, और क्या ब्रांड्स दूसरे खेलों पर थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, ये जानने की कोशिश की ब्रांड बाजार ने। वर्ल्ड कप की जीत के बाद देश की क्रिकेट टीम ने शायद ही कोई शानदार जीत हासिल की है। भारत आज टेस्ट क्रिकेट में पांचवें नंबर पर है, वनडे और 2020 में तीसरे नंबर पर। इसके अलावा आईपीएल का भी एंटरटेनमेंट कम हुआ है। तो इस तरह के प्रदर्शन के बाद अब ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स क्या सोच रहे हैं इस खेल में निवेश को लेकर? थोड़ा बहुत क्रिकेट के इमेज को थोड़ा बहुत तो टार्निश होना ही है। ये बात सही है कि क्रिकेट इस कंट्री में सिर्फ स्पोर्ट नहीं, एक रिलीजन बन चुका है, मगर उसके इट्स अ टू एज सॉर्ड, राइट। उसका एक प्रॉब्लम हो सकता है कि जब क्रिकेट के देव देवताओं के परफॉर्मेंसेस इतने दैवी नहीं है, तब द पीपल स्टार्ट टू टर्न अवे फ्रॉम द स्पॉट एंड द क्रिकेटर्स। बड़े आश्वस्त हैं कि क्रिकेट इंडिया में सेफ हाथों में है। हाँ, ये डिबेट चलती रहेगी कि क्या हम T20 टीम हो गए है, कि क्या हम वनडे इंटरनेशनल की टीम हो गए, कि क्या हम टेस्ट क्रिकेट की टीम हो गए। तो हर जेनरेशन को और हर कंटेंट को अपने आप को रेलेवेंट बना ले, तीनों फॉर्मेट्स चलती रहेंगी, तीनों क्रिकेट हम देखेंगे, तीनों क्रिकेट के लिए हमको अलग अलग तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो एडवर्टाइजर्स खुद से और मीडिया बायर्स से कर रहे हैं, वो ये कि जितना पैसा वो क्रिकेट में लगा रहे हैं, क्या उतनी वैल्यू उन्हें मिल रही है? अभी जो इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ भी है और ये इंडिया इंग्लैंड सीरीज हुई है, रेट्स बढ़ते गए हैं, लेकिन जब आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे, टीम का परफॉर्मेंस देखोगे, उस परफॉर्मेंस में आप ये चीज नोटिस करेंगे कि ओवरऑल डिलीवरीज, ओवरऑल इम्पैक्ट कुछ कम सा हो गया है। तो इस बारे में एडवर्टाइजर्स चिंतित बेशक हैं, और इसके बाद इस वजह से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतना पैसा जो डाल रहे हैं उसमें, उसकी जो रिटर्न मिल रही है उस लेवल की रिटर्न नहीं है, तो इसमें कुछ इंक्रीमेंट होनी चाहिए रिटर्न्स की, या रेट्स कम होनी चाहिए। ब्रांड्स का मानना है कि खेल के हर फॉर्मेट को अलग तरीके से देखा जाता है, इसलिए वो हर फॉर्मेट में अलग तरह से पैसा लगाते हैं। क्योंकि क्रिकेट देश में एक धर्म की तरह है, इसकी ब्रांड वैल्यू खराब प्रदर्शन के बावजूद बनी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े ब्रांड्स खेल में अपना निवेश जारी रखेंगे, लेकिन अगर क्रिकेट टीम का प्रदर्शन लगातार खराब रहा तो हो सकता है कि कुछ ब्रांड्स इस खेल से अपने हाथ फिलहाल खींच लें। बिल्कुल खींचेंगे। अभी जो आईपीएल होगी, देन दे विल रियलाइज वेदर इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम और अ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। अगर आईपीएल में अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया देन इट माइट एस्केप, बट अगर नहीं हुआ देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर सम टाइम। ब्रांड्स का मानना है कि जहां क्रिकेट अपनी जगह बनाए रखेगा, वहीं दूसरे स्पोर्ट्स में भी उनकी रुचि बढ़ रही है। पिछले एक दो साल में फुटबॉल के अलावा टेनिस, बैडमिंटन जैसे देश में उभर आए हैं और ब्रांड्स इन स्पोर्ट्स में निवेश कर रहे हैं। क्रिकेट को अपने आप को री इन्वेंट करते रहना पड़ेगा टू गिव द व्यूअर्स कंपेलिंग कॉन्टेंट। तो क्रिकेट अपने आप में और कॉम्पिटिटिव होती जाएगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, जस्ट फॉर द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एंड जस्ट एज अ कॉर्पोरेट, एज अ स्पॉन्सर, एज एन एडवर्टाइजर, हमको कुछ और एवेन्यूज मिलेंगी जिनमें हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो जैसे कोका कोला सन 2008 से अंडर 16 फुटबॉल को सपोर्ट कर रही है। अमेरिका में दो स्पोर्ट्स हैं विच आर मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स, एक तो बेसबॉल है और दूसरा है फुटबॉल। बास्केटबॉल की भी लोकप्रियता है, लेकिन देर आर सम पीपल हु आर बेसबॉल फैंस एंड देर आर अदर पीपल हु आर फुटबॉल फैंस। तो आई थिंक दो गेम्स या तीन गेम्स को एग्जिस्ट कर सकती हैं और दे कैन बी इक्वली प्रॉफिटेबल फॉर एडवर्टाइजर्स, फॉर स्पोर्ट्स पीपल एंड फॉर द व्यूअर्स ऑल अलाइक। बात क्रिकेट स्टार्स की करें तो वहाँ भी तेंदुलकर, द्रविड़ के जाने के बाद नए सितारों की तलाश है। धोनी और सहवाग के बाद अब खुद ब्रांड्स भी पूछ रहे हैं हुज नेक्स्ट। हेलो बॉस, सचिन, सहवाग, धोनी इज फाइन, हुज नेक्स्ट? पर उन्हें उम्मीद है कि नए सितारे उभरेंगे और इनमें विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर है।
एड ऑफ द वीक में इस हफ्ते है कोका कोला का नया विज्ञापन हाँ मैं क्रेजी हूँ, जिसमें लोगों में खुशी बांधने की बात कही जा रही है। विज्ञापन बनाया है मैकान एरिक्सन ने और इसका जिंगल काफी कैची है, लेकिन चलिए कुछ व्यूअर्स से जानते हैं कि कैसा लगा उन्हें कोक का ये नया विज्ञापन। अच्छा है, एड इज गुड। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एड। आई मीन लाइक कोका-कोला को जो ब्रांड प्रेजेंस है इस एड से और स्ट्रांग हो जाएगा। लोगों को खुशियां बांटना, खुद भी खुश रहो साथ में लोगों को भी खुश रखो, इसी चीज से इम्प्रूव होता है। इसका एड का भी सॉन्ग भी ऐसे है कि इसके लिरिक्स भी अच्छे हैं और ब्यूटीफुल एंड मीनिंगफुल है। द एडवर्टाइजमेंट इज गुड एंड ऑल ऑफ अस वी कैन रिलेट टू द एडवर्टाइजमेंट। हाँ मैं क्रेजी हूँ, किसी को स्माइल देना, किसी को खुश कर जाना, अगर ये सब क्रेजी है। हाँ मैं क्रेजी हूँ, हाँ मैं क्रेजी हूँ, किसी का दिन बनाना, खुशी ही लुटाना, अगर ये सब क्रेजी है। हाँ मैं क्रेजी हूँ, yes I'm crazy, I'm crazy, 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 ha ha, I'm crazy, yes I'm crazy, I'm crazy.